नमस्ते किसान भाइयों, ग्रीनी बाम्बू नर्सरी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र नियर नागपुर में आप सभी का स्वागत है। आज जो आप देख रहे हैं ये भीमावास है, जिसे हम बाम्बूसा बालकोवा का आइडेंटिकल पोल भी कहते हैं, जिसे डॉक्टर भारती ने इन्वेंट किया था। ये टिश्यू कल्चर का प्लांट है जो हमने लगभग सवा दो साल पहले, यानी दो साल लगभग दो महीने अभी हो चुके हैं, ये प्लांट को हमने लगाया था। ये साइज़ लगभग देखिए, ये साइज़ का प्लांट हमने लगाया था और यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हो गया था, इसलिए रिप्लेस करना पड़ा। लेकिन ये रो आप जो देख रहे हैं ये सब भीमावास का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी लगभग एक बुंदे में एक 10 से 12 पोल आ चुके हैं, छोटे बड़े हैं। और अभी के जो ये साल के पोल हैं वो तो सबसे बड़े आए हैं और अच्छे हैं, ग्रोथ में अच्छा, हाइट में अच्छे गए हैं। लगभग एक 20 फुट तक इसका हाइट अभी गया है, ये आप देख सकते हैं। इधर ये दूसरा उसके साथ में लगाया था, लगभग इसका डायमीटर आप देख सकते हैं एक 1.5 से 2 इंच या फिर थोड़ा सा उससे ऊपर आया है। इसका इंटरनल डिस्टेंस थोड़ा कम रहता है, 8 से 9 इंच तक आपको इंटरनल डिस्टेंस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये विदाउट फर्टिगेशन है। ये भीमावास को हमने अभी तक कोई भी फर्टिगेशन नहीं किया है, लगभग 2.25 साल हो चुके हैं। सिर्फ पानी पर है, पानी हम रेगुलर देते हैं। धूप में हमने हफ्ते में 2 बार पानी दिया था, और जैसे हम गन्ने को पानी देते हैं वैसा ही पानी दे रहे हैं हम, क्योंकि ड्रिप से तो बहुत देर पानी देना पड़ता है, इसलिए हमने वो 1 साल ड्रिप से दिया और बाद में हमने वो छोड़ दिया, और गन्ने के जैसा हम पानी दे रहे हैं। और इसका नतीजा हमको इतना अच्छा मिला है कि अभी आज का तारीख देखो, आज का तारीख 22 मई 2022 है, इसमें अभी भी मई महीने में शूट निकले हैं। अब देख सको, ये सिर्फ पानी की वजह से, अभी तक शूट नहीं थे क्योंकि हमने पानी नहीं दिया था फरवरी मार्च तक। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि नए नए शूट यहाँ पे निकले हैं, और अच्छी बात है। भीमावास अभी थोड़ा सा प्रचलन में ज़्यादा है क्योंकि किसान तैयार हो रहे हैं इस बास को लगाने के लिए, क्योंकि इसका वेट, इसकी हाइट और इसका डेंसिटी थोड़ा सा अच्छा रहता है, बायोमास अच्छा निकलता है, वज़न ज़्यादा पकड़ता है इसलिए। और महाराष्ट्र में अभी केजी का भाव भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 रुपये 20 पैसे, 5 रुपये 10 पैसे किलो के भाव से अभी बास बिक रहा है। और आने वाले समय में ये कोल को रिप्लेस करेगा डेफिनेटली, कुछ परसेंट तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है अब निर्माण के लिए ये बास हमको उपयोगी होने वाला है, और इसका फ़ायदा किसानों को भी ज़रूर मिलेगा। कि आप सभी रोक दे सकते, ये 12x6 का, यानी थोड़ा सा डेंस हमने इसका कल्टिवेशन किया था, लेकिन 12x8 12x10 या फिर 12x12 ये इसका डिस्टेंस एकदम स्टैंडर्ड है, आप ऐसा लगा सकते हैं। या जिसको डेंस फार्मिंग करना है वो भी कर सकते हैं। पानी रेगुलर दीजिए, भीमावास को पानी हमेशा चाहिए। अगर पानी आप रेगुलर दोगे तो डेफिनेटली, और फर्टिगेशन अच्छा करोगे तो डेफिनेटली इससे अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। हमने फर्टिगेशन नहीं किया, पानी रेगुलर दे रहे, बस यही है, बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। कचरा भी हम नहीं निकालते, आप देख सकते सब कचरा है इधर उधर। तो ऐसा करने के बजाय आप मेंटेन कीजिए बाम्बूसा बालकोवा को, आप एक क्रॉप की तरह ट्रीट कीजिए ताकि आपको ये अच्छा इनकम दे। लगभग 4 साढ़े 4 साल बाद ये काटने को आएगा। अभी हम कुछ बाम्बू तो काट सकते हैं, लेकिन उसका हाइट और उसका डायमीटर जो है जो कम है, तो इसका रेट हमको कम मिलेगा। लेकिन 4 साल बाद या फिर 4.5 साल बाद इसकी कटाई शुरू होती है तो डेफिनेटली हमें अच्छा पोल का रेट मिलेगा। आज की घड़ी में हमारा जो पुराना कटंग बास है वो हम लगभग 18 साल से बेच रहे हैं, तो हमको एक पुल का अभी 200-150 रुपये मिलता है जगह पे। तो बाम्बू में महाराष्ट्र में तो भी अच्छा रेट है, तो इसका फ़ायदा सभी किसानों को हो, इसलिए हम थोड़ा सा एक प्रयास कर भी रहे हैं कि किसान आगे आकर बाम्बू का कल्टीवेशन करे और बाम्बू लगाए। इसमें डिपेंड है, जिनके पास पानी की सुविधा है वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये देखो, एक हमारा 6 एकड़ का लैंड है जहाँ पे हमने लगभग 12 कमर्शियल वैरायटी लगाई है, जिसमें एस्पर है, बालकोवा है, उसके बाद तुल्डा है, पॉलीमार्फा है, ग्रीन वल्गारिस है, न्यूटन्स है, ऑलिवेरी है, स्ट्रिक्टस है। स्ट्रिक्टस दो टाइप के हैं, इंटरनोड डिस्टेंस बड़ा वाला हमारे पास है, गढ़चिरौली मिलने वाला, और एक नॉर्मल जो जंगली स्ट्रिक्टस होता है वो भी है। आप देख सकते, देखो ये सबसे बड़ा पोल है हमारे पास, ये 2.25 साल में निकला हुआ ये सबसे बड़ा पोल है भीमावास का, और इसका हाइट लगभग 1-30 फुट तक गया है। देखो, कुछ कुछ पोल ऐसे हैं हमारे पास, और इसका शूट देखिए मई महीने में ये इस टाइप से इसका शूट निकला है। अभी देखो, ऐसा पोजीशन अगर आपके पास होता है
आपकी खेती में ये ऐसा बाहर से अगर राइजोम दिखता है तो समझ जाइए कि इसमें मिट्टी देने की ज़रूरत है। बाम्बू में मिट्टी देना यानी इसके बुंदे के आजू बाजू में मिट्टी होना ज़रूरी है, इसलिए दो दो टोकरी, तीन टोकरी, बड़ी टोकरी आप इसको मिट्टी दे। जितना मिट्टी आप अच्छा दोगे उतने राइजोम्स अच्छे डेवलप होंगे। आप देख सकते, देखो मैंने तभी कहा था कि राइजोम्स बड़े अच्छे निकले हैं, नए नए शूट निकले हैं। ये देखिए मई महीने में तीन तीन शूट ये बुंदे में आए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नया शूट निकल रहा है अभी, सभी जगह हर एक इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा शूट्स निकले हैं। तो देखिए मई महीने में भी आप अपना बाम्बू का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अगर अच्छा पानी दे, क्योंकि कुछ किसान क्या करते हैं कि पानी स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि बड़ा होने के बाद बाम्बू को पानी की ज़रूरत नहीं, ऐसा सोचते और पानी स्टॉप करते। ऐसा मत कीजिए, पानी दीजिए। ये देखिए, ये भी भीमाबाद से, यहाँ पे नया शूट आप एक दो और तीन देख रहे हैं। इधर अगर आप देखें तो इधर भी नया शूट एक दो है। भीमाबाद में देखिए डिस्टेंस का जो मैटर है वो डिपेंड है, आपको डेंस करना है, हाई डेंस करना है, या फिर थोड़ा सा अच्छा यानी स्पेसियस करना है तो 12x12, 15x12, लेकिन इतना भी स्पेसियस मत कीजिए कि ज़मीन वेस्ट हो जाए। हमने ये सोच कर किया था कि जो 12 फीट की जो लाइन है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये लाइन एक दीवार बन जाए। ये जो लाइन पूरी आप देख रहे हैं, ये पूरी लाइन दीवार बन जाए, ऐसा सोच के हमने लगाया है, ताकि हमारा एक फुट भी ज़मीन वेस्ट ना जाए। बीच में ट्रैक्टर जाना चाहिए, इतना डिस्टेंस हमने रखा है। और अभी देखिए कोई भी हमने ब्रांच कटिंग नहीं किया है, अभी तीन साल होने को है। तीन साल बाद हम इसमें से जो मदर प्लांट छोटे छोटे थे इनके, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला बांस है, ये वाला बांस है, ये वाला बांस है, ये सब निकाल देंगे हम अभी तीन साल बाद, और इसमें जो अच्छे वाले बांस है वो रखेंगे। ऐसा करना ज़रूरी है ताकि उसमें से और शूट निकलने के लिए स्पेस बन जाता है। इसलिए थोड़ा बांस के जो भी किसान है जो लगाए हैं वो ध्यान में रखिए कि कटाई करते समय पहले ब्रांच को कट कर दीजिए पूरा। ये देखिए ये बांस बहुत पुराना है, यानी ये हमको 1.5 साल में मिला था ये बांस। और देखो भीमाबांस पकने के बाद यानी पूरा मैच्योर होता है ना, तो इसका कलर देखिए चेंज होता है। ये देखिए आप, ये आपको डार्क ग्रीन दिखेगा, ये नया बांस है। और ये जो बांस है, ये बांस देखो थोड़ा सा नारंगी टाइप में आता है, हरा 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 इसकी छटा रहती है, यानी ये कलर का बांस हो जाएगा। ये भीमाबांस मैच्योर कैसे होता है, मैच्योर कौन सा है और इमैच्योर कौन सा है, ये आप देख सकते हैं। देखो ये पूरा हरा बांस है ये, और ये देखिए आप पीछे वाला, ये वाला है, ये पूरा थोड़ा सा पीला है, यानी हरे में थोड़ा पीला मिक्स कीजिए, उस टाइप से कलर पके हुए बांस का बन जाएगा। तो समझ जाइए कि ये बांस तोड़ने के लायक हो चुके हैं अभी कुछ कुछ बांस। यानी बहुत से किसान पूछते हैं कि तोड़ना बांस कौन सा तोड़ना है, कौन सा रखना है। तो ये देखिए, ये तो पूरा येलोइश बन गया है, येलो वाली गारिस जैसा। देखिए भीमा बांस आप देख सकते हैं, इतना येलोइश नहीं मिलता लेकिन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। मे बी ये थोड़ा सा ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, थोड़ा जेनेटिक कोड चेंज हुआ होगा या फिर कुछ कुछ तो भी है उसमें, या टेम्परेचर बोलिए, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 48 हमारे गांव का जाता है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से उसका पीला रंग आ गया हो भीमा का। तो देखिए किसान भाई, आप बांस लगाए, डेफिनेटली लगाए, अच्छी इनकम होती है, हमको हो रही है इसलिए आपको भी हो। ये ग्रीनी बाम्बू नर्सरी हमारे पास लगभग बड़ी नर्सरी है, लगभग 31 स्पेसीज हमारे पास बाम्बू की है, जिसमें से 15 से 16 वेराइटी के पौधे हम किसानों के खेत तक पहुंचाते हैं, अच्छे रेट में किसानों तक पहुंचे इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें बालकोवा, एस्पर, ब्रांडिसाई, पॉलीमार्फा, तुल्डा, ग्रीन वल्गारिस, न्यूटन्स, देन बुद्धा बाम्बू है, गोल्डन बाम्बू है, अट्टर बाम्बू है, यानी जो भी कमर्शियल ब्लैक बाम्बू भी हमारे पास है। लगभग 21-34 स्पेसीज तक हमारे पास है, जिसमें कमर्शियल और ऑर्नामेंटेशन के लिए भी कुछ है। अगर देखिए आप, यहाँ पे कोई हम कचरा नहीं काटते, जैसा का वैसा है, जीरो मेंटेनेंस खेती है हमारी। और ये देखिए इधर का प्लांटेशन दिखाते हम, ये देखिए ये पूरा कचरे में खेती है हमारा। ये पिछले दिसंबर में लगाया था, दिसंबर 21 में, 6 महीने हो चुका है ये प्लांटेशन को, 6-7 महीने अभी। इसमें से आप देख सकते हैं 6-7 महीने में ये भीमाबांस है, ये इसका इतना बड़ा शूट निकला है और नया शूट रेडी है नीचे में आप देख सकते हैं। तो ये 6 महीने का ग्रोथ है, देखिए 6-8 महीने का ग्रोथ है जो इस साइड लगाया, और ये साइड में जो लगाया है इसको लगभग 2.25 साल हो चुके हैं। ये साइड भी देख सकते हैं आप, 2.25 साल लगा हो चुके हैं इसमें। इसमें ये साइड पर हमारे
लगभग 12 वेराइटीज़ हमने कमर्शियली जो पॉपुलर है वो कल्टीवेट की है, और इन सभी के पौधे हमारे पास उपलब्ध है। अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे में जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आपको पार्सल भी चाहिए वो भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए इसमें तो भी हम करेंगे। बाम्बू बेचना हो आपको, पक्का बाँस आपके पास होगा तो भी वो हम खरीदते हैं। खेती करना हो, बाँस बेचना हो, या फिर कोई जानकारी चाहिए हो तो डेफिनेटली आप फ़ोन कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे, या फिर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।